शांति। आज की तारीख है 17/4/2023, 17 अप्रैल 2023। आज के बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे माया के वश होकर ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना, कभी भी बाबा की निंदा नहीं कराना, ऐसा कोई कार्य नहीं करना, माया के 5 विकारों के वश होकर, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के किसी के वश होकर कोई ऐसा कार्य नहीं कराना करना जिससे कि बाबा की निंदा हो। प्रश्न है आज की मुरली से, माया भी शिव बाबा की मददगार है कैसे? उत्तर, जब माया देखती है कि कोई श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, कोई बाबा की बात बच्चे नहीं मानते हैं, बाबा का कहना नहीं मानते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो वह जैसे कच्चा खा जाती है, थप्पड़ मार देती है। सयाना वह है जो बाबा की याद से माया को परख कर, माया के इन 5 विकारों को परख कर, माया की आकर्षण को परख कर उसके वशीभूत ना हो। बाबा की याद से, बाबा के योग से ऐसी चीज़ों को, ऐसी माया की नए नए आकर्षणों को परख कर उसके वशीभूत ना हो, उसको हराने वाला विजयी बने। गीत है आज की मुरली से, मुझको सहारा देने वाले। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाबा का आज्ञाकारी वफादारी बच्चा बनकर आशीर्वाद लेने के पात्र बनना है। शिव बाबा का आज्ञाकारी वफादार बच्चा बनकर बाबा की श्रीमत पर चलकर आशीर्वाद लेने के पात्र बनना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करानी है। दूसरी पॉइंट है, कभी कोई उल्टी चलन चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है, कभी कोई उल्टी चलन चलकर श्रीमत की जगह मन मत पर चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है, भस्मासुर नहीं बनना है, धर्म राज की सजाओं का डर रखना है, क्योंकि बाबा कहते हैं धर्म राज की जब सजाएं मिलेंगी, जब बच्चों से हिसाब होगा कि कौन कौन बच्चे बाबा की मत पर ना चलकर अपनी मत पर चले, तो बाबा कहते हैं उन सजाओं से डरना है, उन सजाओं को याद रखना है, उन सजाओं से डरते हुए बाबा की मत पर चलना है, श्री मत पर चलना है। वरदान है आज की मुरली से, दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना, इसी को ही सहज योग कहा जाता है, क्योंकि जहाँ दिल होगी वहाँ ही दिमाग भी चलेगा। जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति संकल्प शक्ति सब शिव बाबा को दे दी, मन वाणी कर्म सब बाबा के हो गए, और कोई भी संकल्प बा किसी भी प्रकार की आकर्षण आने की मार्जिन ही नहीं। स्वप्न भी इसी आधार पर आते हैं कि जब सब कुछ तेरा कहा तो आकर्षण आ नहीं सकती, जब सब कुछ बाबा को दिया तो आकर्षण आ ही नहीं सकती, सहज ही सर्व आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, बाबा से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो। अगर शिव बाबा से और हमारे जो ईश्वरीय परिवार ब्राह्मण परिवार से दिल से प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। आज की मुरली से स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति का फरिश्ता हूँ, शांति देने वाली, इस संसार के कण कण को शांति देने वाली मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति की किरणें मुझ आत्मा से लगातार निकलकर इस संसार के चारों ओर फैल रही हैं। इसका अभ्यास दिन में करते रहेंगे। 1 मिनट के लिए उस परम सत्ता को याद करते हैं। एक की याद, एक रस अवस्था में स्थित मैं आत्मा, एक की मत पर चलने वाली, एक परमात्मा को ही अपना साथी बनाने वाली, मैं परमात्म प्रिय आत्मा हूँ। परमात्मा शिव
जो ज्ञान गुणों के सागर हैं, जो सुखों के सागर, उसकी संतान में आत्मा मास्टर भाग्य विधाता हूँ। मैं आत्मा परमात्मा से प्राप्त शक्तियों से स्वयं को भरपूर कर इस संसार को शक्तियों से भरपूर कर रही हूँ। ये संसार शक्तियों से भरपूर हो गया, दुख दर्द बीमारियां रोग आदि इस संसार से दूर होते जा रहे हैं। ईश्वरीय शक्तियों से एक आत्मा का श्रृंगार हो रहा है। आत्माएं फिर से उस पिता को पहचान नहीं है जिसको वो भूल गई थी, फिर से उस पिता की ओर खिंचती जा रही हैं जिस परमात्मा को भूल के उन्होंने दुख को पाया। खिंचती जा रही हैं आत्माएं उस पिता की तरफ इस विश्व की हर आत्मा का कल्याण, यही संकल्प मेरा हर सांस के साथ है। मैं विश्व कल्याणकारी फरिश्ता, मैं विश्व कल्याणकारी फरिश्ता हूँ।